Hello students, welcome to Navya online study channel. Today we are going to study the fourth chapter of class 7th honeycomb English, the as that made tree blooms. So this is our chapter name, and first take a notebook and pen so you can write the difficult word meanings. Okay, yes, let's start with our chapter. First we read before you read param, then we start with our chapter. Okay, yes, let's start. Before you read, this is story about an honest head hard working old couple. Ye keh raha hai ki ek story hai ek honest imandar and hard working mehnati boodhe कपल की एंड देयर पेट डॉग और उनके एक पेट डॉग की. द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके नेबर्स थे वो ट्रबलसम थे. ट्रबलसम होते हैं जिनको, जो दूसरे की खुशी नहीं देख पाते. दूसरे की खुशी जब वो देखते हैं तो उनको जलन मस्ती है, भाई हमारे पास क्यों नहीं है. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो डॉग था वो बड़ी उसको मतलब बहुत दुखद, वी कैन से बहुत दुखद उसकी मौत हुई. The spirit of dogs gives solace and support to his master in an unaccepted way. जो डॉग की जो आत्मा थी उसने अपने जो मालिक था उसको सोलेस दिया, मीन्स उसको सपोर्ट करा और उसको धीरज के साथ क्या करा, सपोर्ट करा अपने मास्टर को इन अनएक्सेप्टेड वे, मतलब जिनकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसे वे में उसने क्या करा, उनको सपोर्ट करा. Now let's start. As is that may tree blooms. Okay, yes. So let's start with our chapter. In the old day, in the good old days of the Jaimois, there lived an old couple whose only pet was a little dog. एक मतलब पुराने अच्छे दिनों में, डायमॉइस के पुराने अच्छे दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक ओल्ड कपल रहता था हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिसका जो पेट था वही क्या था, एक छोटा सा डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई भी उनका कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज थ्रू इट वर अ बेबी, और उसको ऐसे प्यार करते थे कि जैसे वो उसका बेबी होगा, ऐसे प्यार करते थे क्योंकि उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं था, उनका कोई बेबी नहीं था, तो इस वजह से उनका जो पेट डॉग था उसी को वो बेबी की तरह क्या करते थे, प्यार करते थे. द ओल्ड डे मेड इट अ कुशन फॉर ब्लू ऑफ ब्लू द क्रेप, कह रहा है कि जो ओल्ड डेम होते जो बूढ़ी, जो हम वहाँ कहते थे कि जो उनकी मतलब जो पत्नी, जो डेम होती है उनको पत्नी कहते हैं. तो जो ओल्ड डेम थी, मेड इट अ कुशन, वो उसने कुशन बनाया था ऑफ अ ब्लू क्रेप. ब्लू क्रेप, क्रेप होता है रेशमी कपड़े का होता है, ब्लू रंग का रेशमी कपड़े से उन्होंने उसके लिए कुशन बनाया था. एंड एट मील टाइम मूकू, फॉर दैट वॉज इट नेम, वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट. तो कह रहा है कि मील टाइम के टाइम पे मूको, फॉर दैट व्हाट इट्स वाज इट्स नेम, तो मूको क्या था, मूको उसका नाम था, उस डॉग का नाम था मूको. तो मील टाइम जब खाने का टाइम आता था, वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट, ऐसे बैठ जाता था जैसे कोई बिल्ली एकदम ऐसे दूध पीने के लिए बैठ जाती है, वैसे ही वो बिल्ली की तरह एकदम वहाँ पर खाने के लिए बैठ जाता. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टैडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक. तो ये क्या कह रहा है कि जो ऐसे लोग जो हैं, जो द काइंड पीपल, ये जो लोग हैं, फेड द पेट, वो क्या करते हैं, पेट को, अपने पेट को खिलाते हैं. यस, वो अपने पेट को खिलाते हैं. और क्या कह रहा है, टाइबिट्स ऑफ फिश, टाइबिट्स मतलब होता है जो फिश की हड्डियां होती हैं उससे खिलाता है ये वो पेट को, टाइबिट्स के टाइबिट्स ऑफ फिश खिलाते हैं, फिश की टाइबिट्स सॉरी टिडबिट्स खिलाते हैं विद योर ओन चॉपस्टिक, अपनी ही चॉपस्टिक से उसको वो खाना खिलाते हैं.
एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और वो पूरा जो बॉइल्ड जो राइस है वो उतना उसको खिलाते थे जितना उसको चाहिए था. ट्रीटेड, ये ऐसे ट्रीटेड करते थे द डम क्रिएचर. इस क्रिएचर को इस तरीके से क्या करते थे, लव्ड, प्यार करते थे. इट प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. ये उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर, उसको वो डॉग था उनको उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे जैसे बीइंग लाइक बीइंग विद अ सोल. ऐसे प्रोटेक्ट करते थे जैसे एक आदमी के साथ उसकी आत्मा होती है ना, वैसे वो उसके हर टाइम पे प्रोटेक्टर की तरह खड़े रहते थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. जो ये बूढ़ा आदमी था वो एक ये राइस की खेती करता था, वो एक फार्मर था. वेन डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड. और वो क्या करता था, हो मतलब होता है जो आपकी कुदाल होती है, फावड़ा, इन सब के साथ क्या करता था वो लेके हर रोज जाता था इन टू द फील्ड में. वॉकिंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. वो तब तक हार्ड वर्क करता था, मॉर्निंग से तब तक हार्ड वर्क करता था जब तक ओ टेंटो सामा मतलब है यहाँ पे सन, सन को ओ टेंटो सामा कहते हैं. तो सन जब तक छुप नहीं जाता था हिल्स के पीछे, मॉर्निंग सुबह से जब तक जो हिल्स के पीछे वो नहीं छुप जाता था सूरज, तब तक वो क्या करते थे, काम करते थे. ओके यस. तो अगर पेपर में आएगा तो क्या, व्हाट इज द व्हाट दे कॉल द सन इन द लैंग्वेज, सो ओ टेंटो सामा. ओके यस. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन जो डॉग होता था वो क्या करता था, उसको फॉलो करता था. फॉलो करता था मतलब अपने मालिक के पीछे जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वो कभी भी हार्म नहीं करता था वाइट हेरन को. हेरन मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, उनको कभी भी वो नहीं करता था, हार्म नहीं करता था अपने फुटस्टेप से. ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. ओके, सो ओल्ड मैन क्या करता था, वर्म्स पिकअप करता था. और वो कभी भी अपने पैर पे क्या करते थे, अपने पैर के नीचे कोई भी उसको नहीं आने देते थे, एकदम केयरफुली चलते थे. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ. जो ओल्ड जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत पेशेंट था. पेशेंस उसके अंदर बहुत पेशेंस था, धीरज था, एक काइंड, एक दयालु व्यक्ति थे वो हर चीज़ में अपनी लाइफ में. एंड ऑफन टर्न्ड अप सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और वो कभी कभार क्या करते थे, इन पर्पस में बर्ड्स को क्या करते थे, खाना देते थे. सॉर्ट मतलब दाना डालते थे. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and mounting with his head off some spot behind. तो वो कह रहा है कि एक बार जो डॉग था वो दौड़ते दौड़ते आया, putting his paws against his legs. उस बूढ़े व्यक्ति के पाँव पे अपने paws वो रखता है और क्या करता है, अपने हेड से एक तरफ को जाने के लिए इशारा करता है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. पहली बार तो उसने सोचा कि लगता है कि मेरा पेट खेल रहा है, तो उसने उसको ज़्यादा नज़रअंदाज उसको नज़रअंदाज कर दिया कि वही ऐसे खेल रहा होगा, इसलिए ऐसा कर रहा होगा. ओके, बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. लेकिन जो डॉग था वो बहुत देर तक इधर उधर घूमता, दौड़ता, उसको विनिंग करता, खींचता, फिर दो बहुत मिनट्स के लिए वैसा करता जाता. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू पैलेस वेयर द एनिमल्स बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग थिंकिंग. तो वो कह रहा है देन जो ओल्ड मैन था उसने डॉग को फॉलो करा फ्यू यार्ड्स मतलब
कुछ ही उसने गज पर, ठीक है, थोड़ा यार्ड से, यार्ड होता है यहाँ पर जो उसका वो था जहाँ वो करता था, यार्ड से थोड़ा दूर पैलेस तक वो गया। द एनिमल्स बिगिन अ लिवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ ब्यूट बोन और बिट ऑफ फिश। तो एकदम से जो एनिमल था ना वो क्या करता है, जल्दी जल्दी स्क्रैचिंग मतलब ऐसे खोदने लगता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ ब्रूड बोन और बिट ऑफ फिश। तो जब भी वो एनिमल ऐसे ऐसे स्क्रैच करता है वहाँ पे, तो बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि भाई ये कोई इसको फिश की बोन या बिट उसका कोई बोन या कुछ ऐसे कुछ फिश का बोन मिल गया होगा, इस वजह से ऐसा कर रहा है। So the old man stuck his hoe in the earth. When lo a pile of gold gleamed before him. तो उसको लगा कि भाई इसको खाना होगा, चलो निकाल देता हूँ। तो उसने वो अपने फावड़े से उसको खोदने लगता है। लो वैन लो ओ व्हाट इज दिस अ पाइल ऑफ गॉड ग्लीम्ड बिफोर हिम। ये क्या हो गया भाई कि जब उसने उस अर्थ पे मारा, उस पे जमीन पे मारा, तो गोल्ड सोना वहाँ पे ग्लीम्ड चमका। उसके उसने देखा कि बहुत सारा वहां पर सोना है, चमक रहा है सोना। दिस इज डॉग, दिस इज ओल्ड मैन एंड हो एंड गोल्ड। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल मेड रिच। और एक घंटे में ही जो पूरा जो ओल्ड कपल था वो क्या हो गया, रिच हो गया। The old souls bought a piece of land, made a feast for their friends. और and gave plentiful to their poor neighbors. तो उनकी जो अच्छी आत्मा थी ना, उन्होंने एक लैंड खरीदा, में अपने फ्रेंड्स के लिए वहाँ जो जहाँ पे वो दावत करती करने के लिए एक लैंड खरीदा, एंड गिव plentiful their neighbors, और अपने नेबर्स को plentiful, plentiful होता है मतलब भर के दिया, समझे, पूरे अपने ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले ही सारा सोना रख लिया, अपने जो गरीब नेबर्स थे उनको भी दे दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम एंड विद काइंडनेस। वो डॉग को एकदम पैटेड करते कि भाई बहुत बढ़िया, थपथपाते पीठ पे, जब तक मतलब ऐसे पकड़ लेते अपनी काइंडनेस से उसका, मतलब एकदम घुटन टाइप की लग गई थी ऐसे, जैसा होता है कभी कभार किसी ने गले लगाई खुशी के मारे, ज़्यादा जोर से फिर क्या होता है, एकदम से खांसी आने लग जाती है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी विलेज में एक विकेड मतलब एक वीकेंड से एक गंदा वीकेंड से गंदा गंदे ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी। Not a bit sensitive and kind. वो बिल्कुल भी किसी बात के लिए sensitive नहीं होते थे और बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses. जब भी कोई भी कुत्ता उनके घर के पास से जाता तो उसको लात मार के डांट के वहाँ से भगा देते। Hearing of their neighbors, good luck they they coaxed the dog into their garden and set before them bits of fish and other dainties. तो उसने क्या करा, जब उन्होंने को पता चला कि उनके नेबर का गुड लक चल गया, तो उसने क्या करा, डॉग को अपनी तरफ खींचा, अपनी गार्डन की तरफ से क्या करा, उसके सामने बहुत सारी फिश के बिट्स रख दिए। Hoping he would find treasure for him then. उसको लगा अगर ये मेरे पास आएगा तो मैं इसको treasure ढूंढने के लिए कहूँगा और ये मेरे लिए अभी सोना ढूंढेगा। But the dog, लेकिन जो dog था, being afraid of the cruel pair, would neither eat or move, nor move. तो जो dog था वो बहुत डरा हुआ था उस cruel से pair, मतलब ये old cruel मतलब एकदम बेकार से old man और उसकी पत्नी से, because वो हमेशा कुत्तों को मार के भगा देते, तो आज ऐसा क्या हो गया, तो इसलिए वो थोड़ा डर भी रहा था। वो neither eat nor move, और ना ही उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them.
उसने उस उसको क्या करा, खींचा डोर से, अपने साथ एक स्पेड और क्या ले ली, एक स्पेड ले ली और एक हो मतलब कुदाल ले ली, ठीक है। No sooner had the dogs got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. जल्दी ही जो डॉग था वो पाइन जो ट्री था जो उग रहा था उस गार्डन में जाता है और अपने पाँव से वहाँ पे अपने पॉज से वहाँ पे जल्दी जल्दी स्क्रैच करने लगता है, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसे स्क्रैच करता था जैसे ऐसा लगता था जैसे कुछ माइटी बहुत बड़ा वहाँ पे ट्रेजर छुपा हो। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. तो अपनी पत्नी से कहता है जल्दी दो मेरे हाथ में स्पेड और हो दो। वो जोर से चिल्लाता है वो ग्रीडी लालची ओल्ड जो फूल था, एंड ही डांस विद जॉय, और वो खुशी के मारे डांस करने लगता है। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, कोविटस होता है गंदा ही होता है, जो कोविटस जो ओल्ड फेलो थे अब विद अ स्पेड स्पेड के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन और जो ओल्ड जो क्रोन थे विद अ हो के साथ, बिगिन टू डिक, दोनों ने क्या करा डिक करना स्टार्ट कर दिया, खोदना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, वहाँ कुछ भी नहीं था, एक मरा हुआ क्या था, बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज़ेस, उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने टूल्स छोड़ दिए और अपनी नाकें बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, बहुत गुस्सा हो गए थे वो उस कुत्ते पे, ओके तो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो गए थे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस ओल्ड मैन ने उसको लात मारा और उसको मार के उसको बहुत ज़्यादा मारा और वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द स्पेयर, और जो विकेट जो ये ओल्ड और वुमेन थे उन्होंने उसको मार दिया, और जो ओल्ड वुमेन थी उसने वो कुदाल से उसका सर क्या कर दिया, काट दिया, चॉप कर दिया, हेड उसका काट दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज केयरकास, और उसने क्या कर दिया जल्दी से उसके ऊपर होल वहाँ पर क्या कर दिया, उसको दफना दिया वहाँ और अंदर मिट्टी में उसको पूरा दफना दिया। ओके नाउ द ओनर ऑफ द डॉग, जो डॉग का ओनर था, हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, वो अपनी जब उसने अपनी पेट की मौत के बारे में सुना, मॉर्निंग फॉर हिम एज ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, उसके लिए वो प्रार्थना करता है और बहुत रोता है जैसे उसका वो खुद का चाइल्ड होगा। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और पाइन ट्री के नीचे जाता है रात में वो, ठीक है, क्या करता है वो पाइन ट्री के वहाँ पे रात में जाता है, अंडर द पाइन ट्री, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, पाइन ट्री के नीचे वो रात को जाता है। सो दिस वॉज अ दिस इज अवर चैप्टर, सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी एंड द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी इन पार्ट टू। तो अभी मैंने ये आधा पढ़ाया है, आधा जो होगा वो पार्ट टू में पढ़ेंगे, ये पार्ट वन है, और फिर क्वेश्चन आंसर्स का भी हम पार्ट थ्री बनाएंगे। सो दिस इज़ आवर चैप्टर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड ऑल्सो राइट्स ऑल द वर्ड मीनिंग्स, ऑल द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, ओके, सो दे विल हेल्प यू इन लर्न बेटर इंग्लिश, यस यस, एंड दिस इज़ आवर चैप्टर, I hope you all understand this chapter and revise it, okay? Revise it. If you will not revise, you will not understand what I tell, okay? So revise it. Okay, so ऐसे सोचो कि मैं जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही, तो आप सोचो कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, ऐसे करके पढ़ाओगे, जोर से पढ़ाओगे और एकदम अच्छे से समझ के पढ़ाओगे, एक एक वर्ड को समझ के पढ़ाओगे, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा और आपके माइंड में हमेशा के लिए आ भी जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, सो दिस इज आवर चैप्टर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैप्टर, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।